नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगेश सिंह और आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे शीत युद्ध के बारे में। दोस्तों, ये मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जो कि क्लास 12th की हम पॉलिटिकल साइंस और फिर इसके बाद हिस्ट्री की पूरी बुक्स को कम्प्लीट करेंगे। तो इसी में ये पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक है जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति। इसके हम सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे जो कि भारतीय राजनीति के बारे में है। इसका हमारा पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, जो कि कोल्ड वॉर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, इसे रिलेटेड है कोल्ड वॉर से। आज इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करूंगा आपके साथ उसमें शीत युद्ध किसे कहते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध किस किस के बीच में हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के क्या परिणाम निकल कर आए, क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, द्विध्रुवीय विश्व की शुरुआत कैसे होती है और शीत युद्ध के क्या परिणाम होते हैं। ये वीडियो आपको दो पार्ट में आएगी। पहले पार्ट में ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, दूसरे पार्ट में हम बाकी का चैप्टर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इस चैप्टर की अगर हम आप NCERT पढ़ने बैठोगे तो इसके थोड़ा चैप्टर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं मिलेगा। इसकी घटनाएं हैं ऊपर नीचे दी हुई हैं, इससे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं बेसिकली वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि क्या क्या चीज़ पहले हुई है। लेकिन इस PPT में, इस वीडियो में मैंने एक इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो इनका एक घटनाक्रम है उसमें लगाने की कोशिश करी है। जैसे आप NCERT खोलेंगे तो आपको सबसे पहले मिल जाता है क्यूबा मिसाइल संकट किसे कहते हैं, जो कि 1961 का है। लेकिन मैंने क्यूबा मिसाइल संकट से ना शुरू करके सीधे शीत युद्ध से शुरू करा है इसके बेसिक से, ताकि स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना रहे। तो पहला टॉपिक है इसमें हमारा शीत युद्ध किसे कहते हैं। दोस्तों, शीत युद्ध का मतलब होता है, वैसे शीत का मतलब होता है कोल्ड, मतलब ठंडा। तो यहाँ जो ठंडा युद्ध हो, ठंडा युद्ध कैसा होगा जिसमें युद्ध होता ही नहीं है या युद्ध की संभावना बनी रहती है, युद्ध नहीं हो पाता है उनके बीच में। तो शीत युद्ध का अर्थ है कि जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर ही रहेगा लेकिन वास्तव में युद्ध ना हो, लेकिन युद्ध की पूरी पूरी संभावना यहाँ पर बनी रहती है, युद्ध नहीं होता। बेसिकली ये जो युद्ध है, व्यापार, वाणिज्य, विचारधारा, टेक्निक इससे लड़ा जाता है, एक्चुअल में युद्ध नहीं होता। लेकिन एक जो द्वंद्व युद्ध होता है ना, द्वंद्व युद्ध का मतलब है कि आपस में उनके अंदर चलता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन आमने सामने आके कभी उनके बीच में युद्ध होता ही नहीं है। जैसे आपने देखा हो कभी कभी भारत और पाकिस्तान के संबंध इतने बिगड़ जाते हैं कि ऐसा लगता है कि युद्ध हो जाएगा लेकिन युद्ध की नौबत नहीं आती है। तो वैसे ही एक शीत युद्ध है जब दो या दो से बीच के जो देश हैं उनके बीच में एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि लगता है कि युद्ध हो जाएगा लेकिन वास्तविक में युद्ध नहीं होता, इसी को शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध मतलब ठंडा युद्ध मतलब जिसमें युद्ध ही ना हो, बस युद्ध के हालात बने रहते हैं, उसको कहते हैं शीत युद्ध। तो ये शीत युद्ध क्या है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, किस किस के बीच में शीत युद्ध शुरू होता है, उस चीज को देखते हैं हम। शीत युद्ध की शुरुआत की कोई डेट है नहीं, कोई फिक्स डेट नहीं है। शीत युद्ध के बारे में बोला जाता है जो शीत युद्ध की शुरुआत हुई है वह द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के साथ हुई है। कब ये द्वितीय विश्व युद्ध के, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसके अंत के साथ हुई है। और दूसरा विश्व युद्ध का अंत कब हुआ, 1945 में ये हो इसका अंत हुआ था। हमारे अब तक मैं आपको बता दूं दो विश्व युद्ध हो चुके हैं। पहला विश्व युद्ध है वो 1914 से लेकर 1918 तक चला था और जो दूसरा विश्व युद्ध है वो 1939 से लेकर 1945 तक चला है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी, शुरुआत ऐसे हुई थी कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था 1 सितंबर 1939 को, इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में दो गुट बने हुए थे। पहला जो गुट था उसको मित्र राष्ट्र कहते थे और जबकि दूसरा जो गुट था उसको धुरी राष्ट्र कहते थे। मित्र राष्ट्र में बात करें तो इसमें जो देश थे, कौन कौन से देश शामिल थे उसको देख लेते हैं। मित्र राष्ट्र में सोवियत संघ था, फ्रांस है, ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और इस बीच इसको युद्ध में, जो द्वितीय विश्व युद्ध में विजय मिलती है वो इन्हीं मित्र राष्ट्रों को विजय मिलती है, यही जीतते हैं इसमें। इसके विपरीत जो धुरी राष्ट्र है उसमें जर्मनी होता है, जापान है, इटली है, इस वाले गुट को हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना, मित्र राष्ट्र में सोवियत संघ है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका, जो द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों मित्र हैं। बाद में जब इनके बीच में शीत युद्ध की शुरुआत होती है तो एक दूसरे के दुश्मन बन बैठते हैं, जो कि मित्र राष्ट्र में जो कि एक दूसरे विश्व युद्ध में साथ मिलकर लड़ते हैं। इसके रीजन क्या थे, किस तरह से बने हैं वो देखते हैं। अब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ है, अंत इसका बहुत ही भयावह तरीके से इसका अंत हुआ है। अंत हुआ था इसका कि अमेरिका ने जापान के
दो शहरों पर परमाणु बम गिराए। इसके दो शहर कौन कौन से थे? हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा पर इसने परमाणु बम गिराया 6 अगस्त 1945 को, जबकि नागासाकी को गिराया है 9 अगस्त 1945 को। इसी के साथ ही परमाणु बम गिराने के साथ ही जापान घुटने टेकने पर मजबूर हो गया और इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत होता है। अगर हम उसके परमाणु बमों के नाम की बात करें तो पहला जो बम था इसने हिरोशिमा पर गिराया उसको हम लिटिल बॉय के नाम से जानते हैं और जो दूसरा है उसको हम फैट मैन के नाम से जानते हैं। इनकी क्षमता की बात करें तो लिटिल मैन की क्षमता 15 किलोटन थी जबकि फैट मैन की क्षमता 21 किलोटन थी। इस बात के लिए अमेरिका की आलोचना भी की जाती है कि उसने अमेरिका जापान के ऊपर परमाणु बम गिरा दिया था। आलोचना इसकी क्यों की जाती है उन पॉइंट्सों को देख लेते हैं। तो अमेरिका ये बात जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, ऐसे में उसे बम गिराने की आवश्यकता नहीं थी। अब उसने बम क्यों गिराया था? तो जाहिर सी बात है उसने बम गिराया हुआ या तो अपनी वो ताकत दिखाना चाहता होगा या फिर अपना उसने परमाणु बम पहली बार थे जो किसी ने विकसित करे थे उस परमाणु बम को उसको परीक्षण करने के लिए, एक वजह ये भी रह सकती है। तो इसके दो वजह निकल के सामने आती है कि क्यों अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिरा। पहला, एक अपनी वो शक्ति का परचम दिखाना चाहता था कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, और दूसरा है कि वो शायद उसका परीक्षण करना चाहता होगा, ऐसे में उसको जापान से अच्छा और कोई शहर मिला नहीं। अमेरिका की इस कार्रवाई का जो दूसरा वो माना जाता कि और क्यों उसने करा था, तो ऐसा इसलिए भी करा होगा कि भाई वो सोवियत संघ को दिखाना चाहता था या जो सोवियत संघ दूसरी जगहों से युद्ध से जो लाभ ले रहा था, एशिया और जो अन्य जो यूरोप के जगह है उनसे जो भी सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहा था, शायद उसे रोकना हो, इसका सोवियत संघ के मन में उसके एक डर पैदा करना चाहता हो। अमेरिका का क्या कहना है इस युद्ध को, इस परमाणु बम के बारे में कि उसने परमाणु बम क्यों गिराया? अमेरिका ने कभी इसके लिए माफी नहीं मांगी है। अमेरिका के समर्थक ये कहते हैं कि भाई युद्ध को जल्दी से जल्द समाप्त करने के लिए अमेरिका और जो इसके साथी रास्ते उनकी हानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था, लेकिन ये एक वाजिब रीजन दिखता नहीं है क्योंकि जापान तो पहले ही आत्मसमर्पण करने के लिए राजी हो गया था। इसके पीछे उद्देश्य जो बोला जाता है उद्देश्य ये है कि अमेरिका ये जाहिर करना चाहता था कि वो विश्व की सबसे बड़ी ताकत है और इसके आगे कोई भी देश नहीं टिक सकता। द्वितीय विश्व युद्ध के क्या क्या परिणाम निकल के सामने आते हैं? इनके परिणाम निकल के आते हैं, इसमें जनधन की काफी ज्यादा हानि होती है, औपनिवेशिक युग का अंत हो जाता है। औपनिवेशिक युग कौन सा होता है? ये वो युग है कि जहाँ पर जो ब्रिटिश जो यूरोपियन जो कम ये यूरोपियन जो देश थे ये अपना विस्तार करने में लगे हुए थे और एशिया के देशों में जगह जगह जाकर अपनी कॉलोनियां बसाते थे, जिसे उपनिवेश का नाम दिया गया था। जैसे कि ब्रिटिशर्स आए थे भारत में, उन्होंने भारत में आके अपना उपनिवेश बनाए, भारत को आके अपना गुलाम बना लिया था, उसको उपनिवेश कहते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के साथ ही उपनिवेश युग का भी अंत हो गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इन यूरोपियन देशों के जहाँ जहाँ इन्होंने उपनिवेश बना रखे थे उनको आज़ाद करना शुरू कर दिया था। एक इसके बाद इंग्लैंड सबसे कमजोर पड़ गया था इस विश्व युद्ध में, इंग्लैंड को काफ़ी ज़्यादा हानि उठानी पड़ी थी। इंग्लैंड एक ऐसा देश था जिसमें पहले पूरे देश इसका पूरे विश्व में इसका वर्चस्व था, पूरे विश्व में इसका परचम था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये कमजोर हो गया और इसकी शक्ति छीण हो गई। इसके साथ ही एक जो सबसे बड़ा परिणाम निकल के आता है वो ये है कि सोवियत संघ और अमेरिका ये दोनों ही शक्तिशाली बनकर उभरे और आगे चल के ये दोनों क्या कहलाए? महाशक्ति कहलाए। विश्व में सिर्फ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सिर्फ दो ही शक्तियां बचती हैं, दो महाशक्तियां बनती हैं, एक सोवियत संघ और दूसरा है अमेरिका। साम्यवादी का तेजी से प्रसार होता है, साम्यवाद जो कि सोवियत संघ की विचारधारा है। साम्यवाद कहते कि सही हम आगे देखेंगे, विश्व दो खेमों में बट जाता है। दो खेमे मतलब एक खेमा हो जाता है अमेरिका वाला और एक है आपका सोवियत संघ वाला। ये दोनों खेमे क्या हैं इसको हम आगे डिस्कस करेंगे और डिटेल में। गुटनिरपेक्षता की नीति, गुटनिरपेक्षता निकल के सामने आता है, इसको भी हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जर्मनी का विघटन, द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है जो सबसे बड़ा परिणाम निकल के आता है, यहाँ पर हानि जर्मनी को भी उठानी पड़ती है। जर्मनी जो है धुरी राष्ट्र का एक देश था, धुरी गुट में था, धुरी राष्ट्र का जो गुट था उसमें शामिल था जर्मनी। जर्मनी का क्या होता है कि जर्मनी के यहाँ पर विभाजन हो जाता है, विभाजन होता है यहाँ पर पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, और ये विभाजन एक दीवार करके खड़ा किया जाता है। उस दीवार को हम बर्लिन की दीवार के नाम से जानते हैं। सेकेंड चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे क्या है बर्लिन की दीवार और किस तरह से इसका एकीकरण होता है। तो जर्मनी का विघटन, जर्मनी दो भागों में यहाँ पे बट जाता है, एक है पूर्वी जर्मनी और एक है पश्चिमी जर्मनी। इसके बाद क्यूबा मिसाइल संकट एक यहाँ पे निकल के आता है। क्यूबा मिसाइल संकट इस जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है। शीत युद्ध का चरम बिंदु इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऐसा टाइम था जहाँ पर लग रहा था कि अब युद्ध हो जाएगा दोनों ही देशों के बीच में। दोनों ही देशों के बीच में कौन कौन से देश थे? अमेरिका और सोवियत संघ। सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध शुरू हो गया था। सॉरी, शीत युद्ध शुरू कब हुआ है? द्वितीय विश्व युद्ध के
बाद शुरू हुआ है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध का अंत होता है, इसके साथ ही शीत युद्ध की शुरू हो जाती है। शीत युद्ध, क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, इसको आसान शब्दों में समझो। क्यूबा मिसाइल संकट मतलब क्यूबा में सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें तैनात कर दी, जिससे अमेरिका उसके सबसे नजदीकी निशाने पर आ गया। इसको बोला जाता है क्यूबा मिसाइल संकट। इसको सबसे सरल भाषा में समझो बस। क्यूबा, क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश किसे कहते हैं? द्वीपीय देश उसे कहते हैं जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। ये क्यूबा भी चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। क्यूबा ये जो है अमेरिका के तट से सटा हुआ है। अमेरिका से मात्र इसकी दूरी देखी जाए तो 144 किलोमीटर दूर है। 144 मतलब कि ये लगभग लगभग 90 माइल्स हो गया आपका, 90 माइल्स दूर है। मात्र 144 माइल्स को कन्वर्ट करते हैं, 144 बैठता है ये। तो ये सब पहली बार था कि अमेरिका बिल्कुल नज़दीकी निशाने पर आ गया सोवियत संघ के। क्यूबा का जुड़ाव था सोवियत संघ से, सोवियत संघ इसको वित्तीय सहायता देता था। एक बार इसको मैप के जरिए समझ लेते हैं इसकी क्या ज्योग्राफिकल कंडीशन है। ये आप इसको यहाँ पर देख सकते हो इस मैप में कि ये रसिया है, यहाँ पर रसिया हो गया। और ये जो छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है ये आपका क्यूबा है और ये है आपका अमेरिका। तो बिल्कुल यहाँ रसिया से अमेरिका को अगर निशाना बनाया जाए तो काफ़ी दूर पड़ता है। इतनी रेंज भी उस टाइम मिसाइलों की शायद डेवलप ना हुई हो। तो ये क्यू रसिया ने क्या करा, जो क्यूबा है छोटा सा एक जो छोटा सा ही द्वीप है, इसके तरफ चारों तरफ पानी है। ये देखिए इसके चारों तरफ पानी आपको दिखाई देगा। तो इसने यहाँ को उसको क्यूबा को अपने सैनिक अड्डे के रूप में बदल दिया और यहाँ पर परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी, जिसको लेकर दोनों के बीच में तनातनी शुरू हो गई और दोनों देश सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने आ गई थी। उस टाइम सोवियत संघ के जो नेता थे वो निकिता क्रुश्चेव थे। ये क्यूबा मिसाइल संकट जो आया 1962 में, क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात करी हैं। अमेरिका के उस टाइम जो राष्ट्रपति थे वो जॉन एफ कैनेडी थे और क्यूबा में जो शासन था वो फिदेल कास्त्रो का था। तो ऐसे में इनको डर था सोवियत संघ वालों को कहीं अमेरिका क्यूबा पर हमला ना कर दे और जो वहाँ के जो शासक हैं फिदेल कास्त्रो उनका तख्ता पलट ना करते। इसी वजह से इन्होंने ये परमाणु मिसाइलें तैनात करने का यहाँ पर फैसला लिया था। अब ये इससे क्या हो गया कि अमेरिका के ये लगभग दुगने ठिकानों और शहरों पर हमला कर सकता था सोवियत संघ। और इसकी खबर अमेरिका को भी नहीं लगी, इसको 3 हफ्ते बाद खबर लगी अमेरिका को कि वहां पर सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी हैं। 3 हफ्ते बाद पता लगा। अब अमेरिका चुप तो बैठेगा नहीं, अमेरिका भी नहीं क्या करा, अपने जंगी जो उसके बेड़े थे, जंगी बेड़े मतलब जो उसके जो जंगी जहाज थे उनको सामने कर दिया ताकि वो क्यूबा की आने तरफ जो सोवियत संघ के जहाज थे उनको रोक सके। तो ऐसी स्थिति बन गई थी कि लगा दोनों ही देशों के बीच में युद्ध हो जाएगा या युद्ध होकर रहेगा, लेकिन युद्ध नहीं हुआ और इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। या फिर इसे कह लो कि जो क्वेश्चन आता है इसमें ये भी पूछ लेता है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहते हैं, तो शीत युद्ध का चरम बिंदु है क्यूबा मिसाइल संकट। ये पहली बार जब दोनों महाशक्तियां आमने सामने आ गई थी। अब दोनों ही देशों को पता था ऐसे में कि युद्ध हुआ तो नुकसान बहुत होगा, विजेता कौन है इसका पता लगा पाना भी मुश्किल होगा। ऐसी सूरत में तो दोनों ही सेनाएं आमने सामने तो आ गईं लेकिन युद्ध नहीं कर सकी। इसी को बोला गया था अपरोध, बोला गया अपरोध यानी रोक और संतुलन का नाम इसको दिया गया कि दोनों देशों के पास पर्याप्त मात्रा में हथियार होने के पास भी यदि एक देश अपने दूसरे देश के परमाणु हथियारों को नुकसान भी कर देता है, तबाह भी कर देता है, तो भी एक देश के पास इतने परमाणु हथियार बच जाते कि वो दूसरे देश को तबाह कर सकता था। तो इसी वजह से दोनों के बीच में युद्ध नहीं हुआ। इसी को नाम दिया गया अपरोध, रोक और संतुलन का नाम यहाँ पर दिया गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कैसे होता है? द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है कि जब दोनों ही महाशक्तियां शीत युद्ध के बाद दोनों में शीत युद्ध शुरू हो गया। शीत युद्ध के बाद दोनों ही महाशक्तियां अलग अलग बट गई, दो गुटों में बट गई थी, दो महाशक्तियां थी ये, दो गुट में बट गई दोनों। ये गुट कौन कौन से थे? गुट थे ये पश्चिमी गुट कह लो इनको, पूर्वी गुट कह लो या पूर्वी गठबंधन कह लो या फिर पश्चिमी गठबंधन कह लो। और दोनों का इन गुटों का काम होता था कि अपने अपने जो देश होते थे उनको अपने अपने गुटों में शामिल करना, या फिर ये कह लीजिए कि जितने भी जो देश थे अपनी सुरक्षा के लिए उनको किसी भी एक महाशक्ति के साथ जुड़ना होता था ताकि वो दूसरे गुट के प्रभाव में आने से बच सकें। इसी से पूरी दुनिया दो गुटों में बन गई, बट गई और आरंभ शुरुआत होती है पूरे ध्रुवीय विश्व की। ये सबसे पहले जो विभाजन शुरू होता है, जो गुटबंदी शुरू होती है, यूरोप में शुरू होती है। इसलिए इनको ये पश्चिमी यूरोप के जितने भी ज़्यादातर देश थे वो अमेरिका गठबंधन में शामिल हो जाते हैं
और पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो सोवियत संघ के खेमे में शामिल हो जाते हैं। इनको पहली दुनिया और दूसरी दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। पहली दुनिया मतलब अमेरिका वाला गठबंधन, या कह लें कि पश्चिमी जो यूरोप के जो देश थे उसको पहली दुनिया कहा गया, और जो दूसरी दुनिया है यह सोवियत संघ के देश को कहा गया, जिसको पूर्वी यूरोप के नाम से हम जानते हैं। पश्चिमी यूरोप में कौन कौन से देश थे जिसे पहली दुनिया के नाम से जाना गया? ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, इटली और बेल्जियम। पूर्वी यूरोप की देशों की बात करें तो पूर्वी यूरोप के देशों में शामिल थे पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया आदि देश इसमें सम्मिलित है। मतलब दो गुट का मतलब, दुद्रव्यता मतलब विश्व दो गुट में बट गया। दो गुट कौन कौन से हैं? पश्चिमी यूरोप जो कि जिसका नेतृत्व करता है अमेरिका, पूर्वी यूरोप जिसका नेतृत्व करता है सोवियत संघ। इन दोनों ने गुटों ने अपने अपने प्रभाव को और आगे करने के लिए उन्होंने और क्या कदम उठाए? अपने सैनिक गठबंधन कर लिए। सैनिक गठबंधन जो यहाँ पर करते हैं, देख लेते हैं अमेरिका ने कौन कौन से सैनिक गठबंधन करे थे। अमेरिका का जो सबसे पहले इसने सैनिक गठबंधन करा वो नाटो है। नाटो की स्थापना कब होती है? अप्रैल 1949 में। नाटो की फुल फॉर्म में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, हिंदी में इसको कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी शुरुआत में 12 देश शामिल थे। इसमें 12 देश कौन कौन से थे? बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। इसने घोषणा करी थी कि नाटो में सम्मिलित अगर किसी भी देश पर हमला होता है तो सभी देश उस पर अपना हमला मानेंगे, और पूरा नाटो और पूरी देश हैं जो नाटो में जितने भी सम्मिलित देश हैं वो सब मिलकर उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आज भी नाटो अस्तित्व में है। नाटो में आज टोटल 30 सदस्य हैं। अमेरिका ने अपने सैनिक गठबंधन इसको पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में बनाए। इन गठबंधनों को सीटो और सेंटो के नाम से जानते हैं। सीटो की स्थापना 1954 में होती है, जिसकी फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सेंटो की स्थापना 1955 होती है, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सोवियत संघ ने अपने सैनिक गठबंधन, इसका एक ही सैनिक गठबंधन है वह है वारसा संधि, जिसे वारसा पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1955 में होती है। इसने भी सेम घोषणा की जो नाटो ने की थी। नाटो ने क्या घोषणा की थी कि अगर नाटो में सम्मिलित किसी भी देश पर हमला होता तो वो सभी देश में हमला माना जाएगा और सभी मिलकर उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। अब महाशक्तियां क्या करती थी कि छोटे छोटे देशों के साथ में गठबंधन कर लिया करती थी। ये गठबंधन क्यों करती थी देखते हैं। ये इसके चार रीजन हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण। एक तो संसाधनों के लिए, छोटे देशों में संसाधन होते थे जैसे तेल और खनिज होते थे, तो इन महाशक्तियों को छोटे देशों से तेल खनिज मिल जाते थे, ताकि इन्हें भूक्षेत्र मिल जाता था। भूक्षेत्र मतलब जहाँ से महाशक्तियाँ अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सकें, यहाँ से ये जहाँ से महाशक्तियाँ एक दूसरे की जासूसी कर सकें, सैनिक ठिकाने बनाने के भी काम आते थे। छोटे छोटे देश यहाँ से एक दूसरे पर जासूसी करते थे। और सबसे बड़ा मेन रीजन आर्थिक मदद, कि जो भी छोटा देश इसमें शामिल होगा उनको ये गठबंधन में शामिल करने की आर्थिक मदद देते थे। साथ ही साथ इनके जो छोटे छोटे देश थे सैन्य खर्चे भी उठाते थे। सैन्य खर्चे मतलब जाहिर सी बात है कि अगर सोवियत संघ में क्यूबा की अगर सोवियत संघ की सेना क्यूबा में है तो उसका खर्चा कौन उठा रहा है? क्यूबा उठा रहा है। तो सैन्य खर्च करने में भी मददगार होते थे ये छोटे छोटे देश। इसी वजह से ये महाशक्तियां इन चार रीजनों की वजह से, कारणों की वजह से महाशक्तियां छोटे देशों के साथ में गठबंधन करती थी। अब एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कि शीत युद्ध क्या था? शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई थी। विचारधारा कौन कौन सी विचारधारा की बात की जाए शीत युद्ध, तो ये दो विचारधाराएं थी, पूंजीवादी और समाजवाद, जिसको साम्यवादी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों ही विचारधारा ये कोशिश करने में लगी हुई थी, ये जताने में लगी हुई थी दोनों ही देश कि उनकी विचारधारा सबसे अच्छी है, उनकी विचारधारा सबसे अच्छी है। अमेरिका की जो विचारधारा थी वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, और सोवियत संघ की विचारधारा थी वो साम्यवादी। दोनों ही देश ये बताते कि उनकी अर्थव्यवस्था बेहतर है, उनकी विचारधारा अच्छी होती है। पूंजीवादी विचारधारा क्या होती है? पूंजीवादी विचारधारा में होती है कि सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, व्यापार और तो निजी व्यवस्था में इसका हस्तक्षेप नहीं होता। सरकार का यहाँ काम लिमिटेड होता है, सिर्फ कानून और प्रशासन व्यवस्था को बनाए रखने तक इसका काम होता है। कितना उत्पादन करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, इसमें सरकार को इंटरफेरेंस नहीं करती है। मार्केट की डिमांड सप्लाई में किसी भी रेट के वस्तु घट रहे हों, बढ़ रहे हों, किसकी डिमांड बढ़ रही है, किसकी सप्लाई घट रही है, कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। जबकि साम्यवाद में इसके विपरीत होता है। साम्यवाद में ये सब कुछ व्यवस्था, सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में होती है। व्यापार हो, निजी व्यवस्था हो, संपत्ति हो, कानून हो, प्रशासन हो, सब कुछ सरकार के हाथ में है।
ये निजी व्यवस्था का विरोध करता है। निजी व्यवस्था के विरोध करने के साथ साथ में ये प्राइवेट प्रॉपर्टी भी का भी विरोध करता है, निजी व्यक्तिगत जो प्रॉपर्टी होती है उसका भी विरोध करता है। लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है लोगों की, सब कुछ सरकार की प्रॉपर्टी होती है। शीत युद्ध के क्या परिणाम निकल के आते हैं? शीत युद्ध के परिणाम जो निकल के आते हैं, एक तो विश्व दो गुटों में बट गया। दो गुट कौन कौन से थे हमारे? एक पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप, या फिर जैसे कि पहली दुनिया दूसरी दुनिया, या फिर विचारधारा के नाम से कह देते हैं इसे, एक पूंजीवादी गुट एक साम्यवादी गुट। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका पूरा नाम। और साम्यवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा है? सोवियत संघ कर रहा है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय होता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मतलब क्या होता है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मतलब है किसी भी गुट में शामिल ना होना। अब जैसे कि आपको बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध की का जो परिणाम निकल के आया था, एक वो भी था कि उपनिवेशवाद का खात्मा। अब उपनिवेशवाद का जब खात्मा हुआ तो नए नए देश सामने निकल के आ रहे थे। अब इन देशों के सामने सिर्फ विकल्प दो होते थे, या तो वो अमेरिका के खेमे में शामिल हो जाएं, अमेरिका के साथ आके मिलें, या फिर वो सोवियत संघ के साथ आकर मिलें। तो ऐसे में इनके लिए एक दूसरा विकल्प सामने निकल के आया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन मतलब किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। इसके साथ ही द्वितीय शीत युद्ध के परिणाम और क्या हुआ? हथियारों की होड़ शुरू हो गई। दोनों ही महाशक्तियां हथियारें बनाने में लग जाती हैं। हथियारें क्यों बनाती हैं? हथियारें इसलिए बनाती हैं ताकि एक दूसरे पर अपना प्रभाव जमा सकें। प्लस तीसरे विश्व युद्ध कब है? हर वक्त इनको लगा रहता था कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध शुरू ना हो जाए, तीसरा विश्व युद्ध शुरू ना आ जाए। ये 1962 में जब क्यूबा मिसाइल संकट के साथ में ये स्थिति और भयानक हो गई, अब लगा कि जैसा युद्ध हो ही जाएगा। और जो लास्ट इसका परिणाम निकल के आता है, सैन्य गठबंधनों का होता है। सैन्य गठबंधन कौन कौन से? मेजर सैन्य गठबंधन जो है सबसे बड़े, अमेरिका का नाटो और सोवियत संघ का वारसा पैक्ट, ये हमारे सबसे बड़े सैनिक गठबंधन निकल के आते हैं। पार्ट वन में हमारा इतना ही है, पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में, विस्तार से पढ़ेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन किसे कहा गया, कैसे इसकी स्थापना हुई है, वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं, पहले कितने सदस्य हैं, और साथ ही नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था किसे कहते हैं, भारत और शीत युद्ध, और इसके साथ में भारत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ये सभी चीज़ें हम सेकेंड पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में हमारे नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।